अमेरिका के बाद ईयू की चीन को चेतावनी सामने आ गई है। यूरोपियन यूनियन की चीन को चेतावनी, रूस का साथ दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये क्लियर किया गया है ईयू की तरफ से। ईयू के साथ रिश्तों को ध्यान में रखे चीन, ये हिदायत। पुतिन को हथियार ना दे जिनपिंग, ईयू की तरफ से ये कहा गया है। कहा यह भी गया है कि अवैध युद्ध में रूस का साथ चीन ना दे। तो देखिए जिनपिंग और पुतिन की दोस्ती और उसके बाद ईयू की ये चेतावनी, यानी यूरोपियन यूनियन को ये नई दोस्ती बिल्कुल रास नहीं आ रही है और इसीलिए ये चेतावनी जारी की गई है। चेतावनी नंबर एक, चीन किसी भी हाल में रूस को हथियार ना भेजे, ये साफ तौर पर कहा गया है। देखिए दूसरी चेतावनी क्या है, रूस को हथियार देकर चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ेगा, ये यूरोपीय यूनियन की तरफ से चेतावनी दी गई है। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन और चीन के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ी हैं, वो हम सबके सामने। और ये भी कहा गया कि हम ज़ेलेंस्की के पीस प्लान का समर्थन करते हैं, यानी कि देखिए इसमें विलेन किसको बनाया गया है। पांचवी बात जो है वो ये है कि शी जिनपिंग को खुद ज़ेलेंस्की से बात करनी चाहिए, ये यूरोपीय यूनियन की एक तरीके से सलाह है। बिल्कुल, और छठी जो चेतावनी है वो ये कि युद्ध पर पुतिन को क्लियर मैसेज दें जिनपिंग, जो अभी तक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इसका ठीक उलट होता हुआ हम देख रहे हैं, सीधे सीधे चीन रूस के साथ। बड़ी चेतावनी है कि जिनपिंग ने हथियार दिए तो जवाबी एक्शन होगा, यानी कि जिनपिंग चीन ने अगर हथियार दिए तो फिर यूरोपीय यूनियन इसका करारा जवाब देगा। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, इस कॉन्क्लेव का हिस्सा हैं, उनके पास एक बार फिर लिए चलते हैं आपको। एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? पिछले दिनों खास तौर पर हमने देखा कि रूस और चीन किस तरह से नजदीक आए। यूएन में भले ही चीन की भूमिका निष्पक्ष रही हो, लेकिन अब अपनी तरफ के साइड का खुलकर इजहार करता हुआ चीन नजर आ रहा है, बताता नजर आ रहा है कि वो रूस के साथ है। ईयू को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। समीर, ये आपने जो अभी कवरेज दी है, एक विश्व में जो हो रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ मैं एसोसिएट करता हूं जी, और इसमें एक मिडिल ईस्ट, पर्शियन गल्फ, वेस्ट एशिया का मुद्दा है, और उधर ईस्ट एशिया में ताइवान, चीन, जापान, कोरिया का ये मुद्दा है, और ये जो अभी यूक्रेन में हुआ है, और यूरोपियन यूनियन के ये जो हेड ऑफ कमीशन गई है, यूरोपियन कमीशन की उर्सुला और मैक्रोन की जो विजिट हुई है, एक ये संदेश लेके आए हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि किसी प्रकार से फर्स्टली शी जिनपिंग को अपील करें कि यूक्रेन के साथ बात करके किसी तरह से शांति का मुद्दा आगे करें, पर साथ ही में उन्होंने एक उनको थ्रेट, चेतावनी देने की कोशिश की है कि उनके लिए नतीजा अच्छा नहीं होगा अगर रूस को हथियार देंगे और उनका साथ नहीं दें। ये किस हद में यूरोपियन यूनियन कर सकता है कि वो चीन को थ्रेटन करे कि उनके पास चीन के साथ लड़ाई जाने का तो कोई ताकत नहीं है। इस बीच देखिए, इतना है कि जो इकोनॉमिक ट्रेड है, डेवलपमेंट क्या हो रही है, यूरोपियन यूनियन एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट है जी।